हेलो दोस्तों, तो WC3 के गेम प्ले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग बोलना भूल गए? कोई बात नहीं मतलब फ्लो में बोल रहे थे तो निकल गया तो थोड़ा हम सा स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोगों का ये जो बॉलिंग का वीडियो था वो अभी आप लोग देखेंगे, तो स्टार्ट करो। चलो भाई शुरू करो। तो यार ये कौन है भाई? जडेजा। तो हमारे जडेजा जी बॉलिंग करने के लिए आए हैं। बल्लेबाजों ने की है थोड़ी सी संभल के शुरुआत। समझ सकते हैं आप कि इनके जहन में क्या है। सही ठिकाने पर गेंद, बल्लेबाज खामोश। तो यार इस वीडियो में आपको ट्रिक मिलेगा। अब अंपायर को मुझे आउट देना है, मतलब इनको आउट देना है, या तो मैं अंपायर को ऊपर केस ठोक दूंगा। तो मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए यार। इनका भी एक गेमिंग चैनल है, आप देख सकते हैं। रेगुलरली वीडियोस पोस्ट नहीं करते पर फिर भी अच्छा चैनल है यार। देखो ये जो मतलब ये जो हाथी जैसा लड़का मेरे पास बैठा हुआ है उसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो ये मेरे चैनल में पब्लिश नहीं करता, खुद के चैनल में पब्लिश कर देते हैं। तो गाइस ये तो मतलब हमसे भी बदतर है, ये भी गोल्डन डक हो गए हैं। अच्छा है, ओके। हम भी आउट हो रहे हैं, वो लोग भी आउट हो रहे हैं। जोरूट आए हैं, जडेजा ने एक विकेट ले लिया। हमारे प्लेयर बहुत ही ज्यादा अच्छे खेल रहे हैं। चलो यार स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए इनको। क्या स्वीप करते हैं ये मतलब मेरे को कमेंट्री बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इनका। वापस फेंका गेंद को स्टंप्स की तरफ, डायरेक्ट हिट। बढ़िया फील्ड, डायरेक्ट हिट जरूर है लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। इसको बाद आएगा यॉर्न मॉर्गन, सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआत। तो गाइस अभी मुझे हैट्रिक लेने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। क्या कहो ए भाई, क्या कर ले? बुरा उल्टा शॉट लगा है, शायद चौथे गियर में की है शुरुआत। ये रिप्ले नहीं दिखाऊंगा और खाता खोला होगा। चलो गाइस मैं थोड़ा सा फील्डिंग को ना बकवास है यार। दिशा खराब तो दशा खराब, दिशाहीन गेंद है। तो गाइस मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर आपका हाथ फिसल जाता है तो WCC आपको चांस नहीं देगा। कीपर रोकने में असमर्थ, गेंदबाज के चेहरे पे निराशा, खाते में है 4 रन। बढ़िया गेंद लेकिन उससे भी बढ़िया डिफेंस। तो यार मैं आपको वो ट्रिक अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। थोड़ा नाजुक हातों से खेला और सही दिशा में खेला, अंपायर बच गया। हाँ और ना में टाइम वेस्ट तो नहीं किया, अंपायर बच गया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो हमारा फर्स्ट ओवर समाप्त होता है। 11 रन मिल गए उनमें से, जो फंसा पाएंगे रन से वो तो 22 से आए हैं। तो गाइस मैं आपको फील्डिंग थोड़ा सा सेट कर लो। इस बार फील्डिंग भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको पर्सनलाइज तरीके से। ये अच्छा है, हाँ ठीक ठाक लग रहा है, करते हैं यार। मतलब इसमें आपको प्री सेट भी मिल जाएंगे और मुझे तो पीछे अच्छा लगता है क्योंकि मैनुअल में मुझे कुछ बल्लेबाजी की टेक्स्ट बुक नहीं लिख रहे हैं ये जनाब। आविष्कार किया है नया शॉट। अरे चोपड़ा जी हमको पता है कि फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो। क्योंकि यार ये तो बैटिंग कर रहे थे, एक फुल टॉस देता हूँ उनको। एक क्या नुबड़ा है भाई। तो गाइस अभी शायद आप लोगों को ये ट्रिक देखने को मिल सकता है, देखते हैं। तो ऐसे आपको गेम को एक बार बैक कर लेना है, फिर से ओपन। यू मिस, आई हिट, गेंदबाज के खाते में विकेट। ये है हमारा एक पर्सनल हैक जिससे कि आप मतलब जितना चाहे उतना विकेट आप निकाल सकते हैं गेम में से। मैं आपको हैट्रिक लेने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए मतलब बॉल टच होने से पहले ही विकेट गिर रहा है। तोहफे में दे गए अपनी विकेट। ये गाइस WCC का मतलब एक प्रोग्राम आप कह सकते हैं, गलत कोडिंग। फिर से देखिए, फिर से शायद हो जाएगा। ये देखिए आपने बैक किया, दो गेंदों पर दो विकेट चटका दिए हैं, गेंदबाज हैट्रिक पर है। ओह, ही इज आउट हैंडलिंग द बॉल। तो ऐसे हम एक हैट्रिक भी ले लेंगे, देखते हैं हो सकता है कि नहीं। ये भाई बहुत बेकार बल्लेबाज है, ये हैट्रिक नहीं लेने देगा। एंकर का रूल अदा करेंगे, आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशंस। बैट्समैन को बिल्कुल सहमति नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से, तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ। अब तो ये मतलब इंपैक्ट साइड से भेगा, मुझे पहले से भविष्यवाणी पता है। तो क्या होगा ये, आपको क्या लगता है? आउट नहीं होता
असंभव व्हाट्सएप का नोट लगा देना। हैट्रिक। तो गाइस ये हमारा हैट्रिक हो चुका है और ये जो ट्रिक है ये आप तभी यूज़ करें, मतलब अगर आप नॉर्मली हर एक गेम में यूज़ करें तो आपको ये गेम खेलने में उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक मतलब वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आसुस या फिर कोई सा भी फोन हो जिसमें ये आप ये बटन के साथ स्वाइप कर सकते हैं मतलब ऐसे, तो आप ये ट्रिक वही फ़ोन में काम करेगा। आपका सैमसंग जैसा मतलब कुछ फ़ोन होता है जिसमें मिडिल में एक बटन है और दो साइड में टच स्क्रीन, उससे ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ और गाइस अगर आप हर एक गेंद में ऐसे करते तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके हाथ से मैच निकल रहा है पर फिर भी आपको जीतना है तो ही आप ये ट्रिक को इस्तेमाल करिए, तो खेलने में ज़्यादा मतलब एंजॉयमेंट बढ़ जाता है खेलने में और मज़ा भी आता है। को पसंद नहीं, एक और किफायती तो, भाई मेरा एक सैमसंग का भी फ़ोन है तो मैंने उस पर ट्राई किया ये ट्रिक लेकिन वो नहीं चला है, और कुछ ही फोन्स में ये चलता है, मतलब जिसके पास ये स्वाइप वाला बटन है उसमें ये चलता है, बाकी फिक्स बटन्स में नहीं चलता। यार कैच दे दे, कैच दे दे बंदा, अजीब है। तो ये तो डायरेक्ट ही फेंका, ये मतलब बहुत ही गलत किया। मतलब गेम बहुत और एक चीज़ मुझे आप लोगों को बताना था कि अगर आपको यार मैं जानता हूँ छक्का नहीं होने देना था इसको, या तो 7 रन मिल जाते हैं। बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों ने, तो भाई आप इसका रिप्ले देख सकते हैं, कर गए थोड़ा सा ओवर स्टेप, एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेन, आप रिप्ले देखेंगे कैसे हुआ। बॉलर का नुकसान, बल्लेबाज का फायदा, अंपायर ने सिग्नल की है फ्री हिट। ये देखिए ये नो बॉल हुआ, लेकिन भाई आप कैच देखिए, अगर ये असली बॉल होता तो कैच आप देख सकते हैं कितना मतलब खतरनाक लेवल का कैच था। ये जो है 2018 का जो एवी डिविलियर्स वाला कैच था वही सेम, लेकिन वो भागते हुए आए थे, कुछ बोलो चुपचाप ऐसे मत करा। दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर, तुक्के के साथ किया है आरंभ, तो मुझे लगता है कि आजमाना ही पड़ेगा। इसने बहुत मारा, हट भाग यहां से। खूबसूरत गेंद हवा में तैरती हुई, तो आप देख सकते हैं कुछ डॉट बॉल्स भी ऐसे आ सकते हैं इस किक में, मतलब कोई गारंटी नहीं है, तो मैं तो इस लेफ्टी को आउट करूंगा ही। यार ये आउट नहीं होगा, मैं पता है। ओह हो गया। तो गाइस ये फिर से हम लोग ट्रिक लगा के इसको आउट कर चुके हैं, और ये मतलब किसी किसी फोन में ही सपोर्ट करते हैं और आपको उतना मज़ा नहीं आएगा अगर हर एक बॉल में आउट मतलब हो जाएंगे। मतलब अगर ऐसा बटन से तो ये मज़ा आएगा, मतलब ये काम करेगा। अगर सैमसंग का जो फिक्स बटन वाला फ़ोन है उसमें ये काम नहीं करेगा। ये है मेरा मतलब मेन पॉइंट जो मैं बोलूँगा आपको। चलो मैंने सोचा कि ये छक्का मारने का कोशिश नहीं करेगा, तो भाई अभी तुम थोड़ा सा कमेंट्री करो, मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म में चक्कर लगा के आता हूँ। क्या करता है, कोई काम नहीं। फ़ोन को यहाँ पे आप रख दो और बाकी आप खेलते रहो। ओके तो भाई लोग ये हम ही करते हैं, तो एक शॉर्ट बॉल देते हैं उनको और देखते हैं कैसे रहता है। यार कैच का चांस देना चाहिए था, तो अभी हम देख सकते हैं उन्होंने 109 मीटर का छक्का मारा, लेकिन हमारे 110 के पीछे कुछ भी नहीं है हमारे 10 के सामने, तो ये चौका हो सकता है। ओके बचा लिया। हेलो यहाँ पर बैठो कमेंट्री करो। अच्छा शॉट, अच्छी जजमेंट, तो आप देख सकते हैं मतलब ये कितना ज्यादा कांचोर आदमी है। तो यार मैं उतना अच्छा कमेंट्री नहीं कर सकता हिंदी में क्योंकि भाई मेरा मदर टंग तो बंगाली है। चलो इसे ख़त्म करते हैं। ये क्या है, ये उन्होंने कतई गलती कर दी। चीते को पीछे छोड़ दे, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज। तो गाइस अभी हम इसको भी वही ट्रिक से आउट करेंगे। चलो बंदा ख़त्म, पैसा हजम, जॉनी बर्स्ट हो गया। सिर्फ
क्रिस वोक्स आए तो उनको अभी मैं वर्किंग में ही लगाता हूँ। एक शॉर्ट बॉल, चौके छक्के नहीं मारते, अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा। तो यार आप आकाश चोपड़ा का मतलब कमेंट्री देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कमेंट्री है आकाश चोपड़ा जी का। इस गेम में उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया। तो गाइस सब कुछ तो हो गया, पर फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमने आपको ट्रिक बताई थी इसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। नया डायलॉग और एक चीज़ मुझे आप लोगों को बताना था गाइस कि जब मैं मेरा यूट्यूब का एनालिटिक्स देख रहा था कि तो 98% लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो जल्द से जल्द हम लोग 10K तक भी पहुंच सकते हैं। हमारा चैनल मतलब आप लोगों के मतलब क्या बोलूँ प्यार से बहुत ही मतलब तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारा चैनल अभी मोनेटाइज भी हो गया, तो अगर आपको एड्स देखने को मिलते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर नहीं मिलते तो भी हमें बताइए, इसे फिक्स करना पड़ेगा। हाँ और गाइस ये ओपोनेंट टीम ने तो मतलब तबाही शॉट मारा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा छक्का था, बड़ा नहीं बड़ा के साथ बुरा भी, और बुरा के साथ बूढ़ा भी। 106 मीटर किसने छक्का मारा भाई, इसको मैं आउट करूंगा, वो भी अपने खानदानी पिच से। नहीं इस बार नहीं, बल्लेबाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के इसको पहले एक सिंगल लेने का चांस देंगे हम, डॉट के तो एक शॉट गन देता हूँ, शॉट गन दूंगा तो चलो यार। एक और खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, मुझे मतलब। तो गाइस ये जब ज़्यादा पटर पटर करने लगता है तभी ये मतलब गलत गेंद डालता है और तभी मतलब गेम ख़राब हो जाता है। इसने वाइड दिया, इसने बॉल नहीं मारा, मैं इसका बोल्ड करूँगा। और ये तो गाइस सिर्फ चीटिंग करके आउट कर रहा है, आए मोटा, ये मतलब कामचोर बंदा है, प्लेटफॉर्म में चक्कर लगाता है, कमेंट्री नहीं करता और मुझे कहता है। तो मैं यही चाहता था वो सिंगल ले ले। और गाइस और एक चीज़ आप लोगों को बताना था कि अगर आप हर एक गेंद में ये करते हैं तो ये काम उतना नहीं करेगा, आपको आपका जो मतलब बॉलिंग का कर्सर है वो आपको विकेट के सामने ही प्लेस करना पड़ेगा, मतलब इन लाइन में, तो ही ये काम करेगा, वरना अगर आप करते हैं तो आपको छक्का भी पड़ सकता है। छक्का नहीं पड़ेगा मतलब सिंगल भी पड़ सकता है। चलो इसने मुझे छक्का मारा था, मैं इसका मिडिल विकेट उड़ा दूंगा। एक डॉट बॉल क्यों दे रहा है भाई, एक सेकंड यार, हाँ अब ठीक है। इस बंदे को मतलब अगर ये मेरे सामने होता ना तो मैं इसका सर फोड़ देता। तो यार ये कौन है, ओ जॉस बटलर, इसलिए देखता हूँ कि मार कौन रहा है इतना। तो इस बटलर को भी हम बटल लगा के आउट करेंगे। यार ये आउट, इसके ऊपर हमारा ट्रिक अभी मतलब काम उतना अच्छा नहीं कर रहा, तो क्या ही बोलूं। तो ये जो मतलब MD इम्तियाज़ आलम है उनको आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना है, आप कर सकते हैं। तो यार इम्पोर्टेंट बात कही है, कौन सा इम्पोर्टेंट बात, मतलब हम अगली वीडियो किस पे डालें। तो हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से गेम का, या फिर मैं आपको तीन ऑप्शन किसी भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम जरूर करने का कोशिश करेंगे। ये ट्रिक काम नहीं करता चारों खाने चित यार, आप फिर से एंजॉय करते हैं ट्रेन का काम। ये ट्रेन हमारे ठीक सामने रुका है, ओके तो बटलर को भी आउट करने का टाइम आ गया, तो बटलर को आउट करते हैं। बोल्ड 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 बटलर बोल्ड। तो गाइस ये अभी बोल्ड हो गए हैं, तो हम थोड़ा साइड में चलेंगे, रिप्ले को एंजॉय कीजिए।
और साइड में जाने का हमारा सबसे बड़ा कारण था कि ट्रेन का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो और मतलब जो इंजन है उन्होंने ठीक हमारे सामने ही रोका था। तो ये जॉस बटलर 14 रन बना के यहाँ से कट लिया। ओके तो अभी एक और शॉट बॉल, ये बंद मुझे लग रहा है कि मुबड़े है, आपको क्या यह लग रहा है? बिल्कुल नहीं कि हाँ, तो मैं कहाँ था आपको? हाँ, तीन ऑप्शन से मतलब तीन जगह से कौन सा वाला में वीडियो चाहिए? ऑप्शन है फ्री फायर, ऑप्शन बी सी ओ डी एम मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, और ऑप्शन सी डब्ल्यू सी सी थ्री। तो गाइस ये मैं आप लोगों को पोल सेक्शन में दे दूंगा कि आपको कौन से में वीडियो चाहिए। आप हमें पोल के तरह से बता सकते हैं कि आपको कौन से चीज़ में वीडियो चाहिए। कीपर के हाथ के सामने देता हूँ। बल्लेबाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका। तो भाई मैं परफेक्ट टाइमिंग कर सकता हूँ। तो यार एक फिर से एक नो बॉल, फटाफट आउट करना पड़ेगा। एक और शॉट बॉल, ग्राउंड सीधा शॉट लेकिन कहलाएगा चाह के छक्का मार देंगे। कहाँ का बोल रहा हूँ? हाँ, हमारे यूट्यूब का, यूट्यूब चैनल का। तो यार इसको हम कैसे लेंगे, इसको कैसे लेंगे? बुरा फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर, फील्डर्स पे डाला दबाव, एक को किया दो में तब्दील। ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया, रन बटोरे। चलो बहुत हो गया इनका, इनका फील्डरों के पास अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो। चल और गाइस बहुत देर से कोशिश के बाद हमारे ट्रिक से एक विकेट तो आ गया बाकी है, स्टंपिंग हुआ है, बाकी दो विकेट बाकी है, उनको भी जल्दी खत्म नहीं, और एक विकेट बाकी है। चलो यार मुझे लगता है ये पहली बार इनको नॉट आउट देंगे या फिर से आउट कर, मतलब मुझे कोई कुछ भी हमें जो लगा था कि ये आउट है तो ये आउट नहीं है, बिल्कुल घटिया हो गया है। तो यार मैं अभी किसको बॉल दूँ, कुमार को देता हूँ, इसको मुझे मैन ऑफ द मैच बनाना है। पहले इसको और उसके बाद इसके साथी को खानदानी तरीके से, और ये तो एक आउट है, मतलब बिल्कुल आउट है। चलो गाइस अभी लास्ट विकेट, और लास्ट विकेट को लेते लेने के साथ ही हमारा मैच भी हम खत्म करने का कोशिश करेंगे अभी। तो ये तो विकेट नहीं है, हमें पता चल गया था। होते हैं ये कैसे ने बता दिया है कि आपने मैच फिक्सिंग किया था, लेने ही नहीं दे रहे। तो देखते ये शायद विकेट हो जाएगा। बल्लेबाज ने आगे की तरफ यार ज्यादातर विकेट मतलब 10 में से 8 विकेट तो हमें फिक्स से ही गए हैं यार, एक भी नेचुरल विकेट नहीं हुआ। अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वाला क्रिकेट कोचिंग में, ये उठा तो बहुत ही कम मारते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम कैच कर लेंगे। और बढ़िया थ्रो, क्विक सिंगल, पारी की शुरुआत अच्छे अंदाज। तो यार ऐसा वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा चलता है, मतलब जो मैच है सबकी खतरनाक गेंद, एक और डॉट गेंद, अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी की टीम पर। ये आउट होगा, ये आउट हो सकता है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है आउट होने का। एक और डिवाइड ओवर, कितने ओवर बाकी है? 7.4 की बोल रहा है भाई, 7.4 ओवर। हाँ तो हम 7.4 ओवर में आउट हो गए हैं। समय है स्पिन की इंट्रोडक्शन का,
रहे हैं हॉस्पिटल के साथ। और ये कुलदीप के भाग्य में इसका विकेट है। सटीक लाइन सटीक लेंथ सम्मान दिया एक अच्छी गेंद। चलो इसको सम्मान का बल ले गेंदबाज बनते हैं। एक और डॉट बॉल गेंदबाज की चीते को पीछे छोड़ दे इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज। तो इसका तो विकेट बनता है। लेकिन संपर्क नहीं बॉल में लगा था बल्लेबाज के साथ। एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर ये क्या होगा विकेट नहीं होगा। थोड़ा नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में और कितना इस पनौती है पनौती। तो गाइस ट्रेन तो बहुत गुस्से हो गए हैं। तो गाइस अभी रात के 10 बजने वाले हैं। हम अभी तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी स्टेशन में वो भी सुनसान वो भी प्लेटफॉर्म में अकेले बैठ कर। ये विकेट होगा क्या नहीं ये विकेट हो सकता है। तो गाइस ट्रेन बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है मतलब गुस्सा आ रहा है। आ चलो यहाँ पे बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। चलो हम फिर से हमारे पुराने जगह पे कि यार अभी शांति है। और गाइस ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा जा रहा है। करीबी मामला मिला विकेट नहीं हो रहा है ये हमारा ट्रिक कहाँ हो गया। चलो यार खत्म। और गाइस बहुत देर के कोशिश करने के बाद लास्ट विकेट हमें मिल गई है मतलब बहुत ही भाई नेचुरल विकेट था हमें कुछ नहीं थी। ये बहुत ही कठिन मछली थी जो कि जाल में फंस चुके हैं अभी। और इसी के साथ हम लोग मैच भी जीत चुके हैं थोड़ा सा ट्रिक लगा के थोड़ा सा चीटिंग लगा के। इंडिया टीम तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये देखिए भुवनेश्वर कुमार दो विकेट और 46 रन इन्हें मैन ऑफ द मैच बनना ही था। थोड़ा सा और दीजिए तवज्जो। इसी के साथ हम कहते हैं आपको बाय बाय। जादूगर कहते हैं इनको आज इनके इशारों पे नाच रही थी। हमारा मैच अभी खत्म हो गया है और इंडिया भी जीत चुका है मेरे भाई के थोड़े से मतलब देसी ट्रिक से। और अगर आपको ये चीज पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं WCC 3 के या फिर किसी और गेम के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।